बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे बॉडी फ्रॉक, जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है। अब ये जो सिंपल सा बॉडी फ्रॉक है, ये आपके सामने मेजरमेंट के लिए एक सैम्पल है। और इस वक्त की कमी की वजह से मैंने ये पहले ही ड्राफ्ट बना लिया हुआ है। इसके ड्राफ्ट बनाएंगे, कटिंग करेंगे आपके सामने। ये देखिए, इसको बेहतर है कि आप रोक के आप इसको चेक करें। देखिए, आपके आसानी के लिए मैंने पहले ही 2.7 के, ये 6 से 7 साल की बच्ची का मैं ये बनाने लगी हूँ। और ये मैंने पीछे की बैक की मैंने चौड़ाई ली है, ये सेंटर से ली जाती है, सेंटर से तीरे ये यहाँ पे कंधे तक 2.7 तक, और इसकी गहराई है 1 इंच। फिर ऊपर से नीचे तक गहराई है अगले गले की 3.5 की, और इसकी वो फुल बॉडी की जो लेंथ है वो 12 इंच है। यहाँ ऊपर कंधे से यहाँ ये जो अब आप हम इस तीरा शुरू करेंगे, तीरे के एंड तक आपने 3.4 रखना है। फिर ये जो कंधे की गोलाई शुरू होगी, ये आगे की कम आगे जो होता है वो ज़्यादा गहरा और पीछे कम होता है, क्योंकि हमारा झुकाव जो है वो आगे की तरफ होता है। तो ये बॉडी की शेप के मुताबिक आगे ज़्यादा गहरी होगी और पीछे कम। इसी तरह बॉडी को शेप देने के लिए इसी तरह काटेंगे यहाँ से। अब अच्छा, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आपने ऊपर के लिए ऊपर ये दो तह मैंने लगा लिए। ये मैं आपको दोबारा खोल के दिखा देती हूँ। ये कपड़े का आपने इसी तरह ये डबल तह लेनी है, और मैंने वक़्त की कमी की वजह से मैंने पहले ही बटन पट्टी बना ली है पीछे से की। इधर ज़्यादा 1 इंच पर कपड़ा लेके उसको अंदर फोल्ड कीजिए और इसको इस तरह बटन लगाए, और इसी तरह सेम इसको रोल कीजिए, और इसी तरह आपने 1 इंच आगे बढ़ा के इसका कपड़ा, तो इसकी एक चौड़ी पट्टी बना लीजिए। यहाँ पे बखिया लगाइए इस तरह। ये है कि ये ऊपर की कटिंग करेंगे। इसी तरह मैं बाजू की भी, बाजू का भी पैटर्न बना चुकी हूँ। बाजू मैंने इतने रखे, 17.5 इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ जो है 7.5 रखी है। इस बाजू को इस तरह हम कटिंग करेंगे अगले हिस्से की, और पिछले हिस्से की कटिंग जो है वो इस शेप में कर देंगे। ये आपको मैं बताती जाऊं कि ये 1/2 इंच इधर की है। ये पहले मैंने 2.5 इसकी विड्थ रखी थी, जितनी इस यहाँ पे मौजूद थी, इसके साथ यहाँ पे 6.5 का लेंथ लिए गए, और इस पूरे बाजू की भी 6.5 है इसके मुताबिक। तो यहाँ से लेके 2.5 तक मैंने किया, जिसकी लेंथ बनी 6.5। अब मैंने इसका हाफ किया, पहले 6.5 का हाफ किया, 3.2 आ चुका है, और 3.2 का भी हमने हाफ करना इस साइड पे भी और इधर मिडल में भी, 1/2 इंच इधर 1/2 इंच इधर लेना है। 1.2 इसका हाफ हो जाएगा। जब हाफ जहाँ से हाफ पॉइंट है वहीं से हमने नीचे की तरफ 1/2 इंच लेना है। अब यहाँ से ये इस पॉइंट से इसको जोड़ना है, और इस पॉइंट से इसको जोड़ के इधर आगे गुलाई के साथ मिला देना है, जिससे हमारी शेप इस शक्ल की बनेगी। ये अगले हिस्से की शेप है। ये देखिए,
मैंने ये बाजू के बॉडी की जो कटिंग पेपर पे आपके सामने की है वो इस तरह की, यहाँ अगले हिस्से की शेप आ रही है देखें, और ये भी देखिए यहाँ से भी क्लियर हो रही है, और ये पिछले हिस्से की गोलाई है जो मोड़े के साथ मिल रही है, ये बाजू का गोलाई आ गई अभी हिस्से की, और ये पूरे बाजू का, ये पूरे फ्रॉक का इस वक्त तैयार हो चुका है। ये देखिए यहाँ से मैंने ये इसको स्टिच कर लिया, ये कंधे स्टिच कर लिए, इसकी वजह से फिर मैंने इसको खोला है। सामने मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन देने के लिए ये लेस लगाने शुरू की है। सबसे पहले मैंने ये सेंटर में लेस लगाई है, उसके बाद मैंने इसको एक फिंगर का गैप देके लगाया। अब ये जिस तरह मैं फिर एक इक्वल करने के लिए सेंटर में एक लगा के उसके इस तरफ दो लगाई हैं और इस तरफ दो लगाई हैं। ये मैंने शुरू में लगा लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह मैं लेस लगा रही हूँ। ये देखिए ये पट्टी जो है इसको हम लगाएंगे इसके साथ, ये आड़ी पट्टी काटी गई है इसको हम इसके अंदर रखेंगे, और इसकी सिलाई इस पूरे गले के साथ 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 मैं लगाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं। देखिए मैंने इस चारों तरफ इसके सिलाई लगा ली है, अब ये मैं जो फिर करना है इसके बाद सिलाई करनी है, ये मैं टर्न करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह बाजू को उल्टा करके रख लें आप, पहले सिलाई ना लगाएं। इसका सेंटर मैंने इस तरह कट लगा के कर लिया है, ये वही सिलाई जो अगले मैंने आपको कटिंग करके दिखाई थी ऐसे एस शेप में है, इसको हम सामने रखेंगे सामने वाले हिस्से के साथ, और ये जो बीच में मैंने कट लगाया ये यहाँ पे, अब जो ये इसको ज़रा सा आगे करके ये टू पॉइंट का हमने चुनट जो देनी है ये बिल्कुल स्ट्रेट कटा हुआ है, इसकी ये निशानी है, और इस एरिया को चुनट लगाते हुए हम यहाँ पे रखेंगे और बाकी जो है हम यहाँ पे सेट कर लेंगे। सेम इसी ये बिल्कुल सेट हो जाएगा यहाँ पे, पीछे का पिनअप करें, पिन कर लें और फिर सिलाई करें। इसी तरह हम दूसरी साइड पे भी इसी तरह करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए एक टिप बतानी थी कि यहाँ पे बड़ा बखिया करके आप दोनों तरफ से चुनट लीजिए तो ये सेंटर हो जाएगा। इस तरीके से ये चुनट ली गई है, और मैंने सिलाई करने से पहले सिलाई का हक रखते हुए मैंने यहाँ पे पिन किया है। अब मैं इसके सिलाई करती हूँ दोनों बाजू जोड़ के, फिर आपको दिखाती हूँ आगे क्या करेंगे। इस तरह इसको अपर पार्ट के साथ नीचे ये जो लोअर फ्रिल है इसको हमने इसको जोड़ती जाना है, और दोनों जोड़ने के बाद फिर नीचे से इस जगह से दोनों फ्रिल जो आपस में जोड़ते हुए नीचे से जोड़ेंगे और ऊपर शोल्डर यहाँ मोड़े तक ले जाएंगे, जिससे सारा ये तैयार हो जाएगा। और नीचे से हम इसकी तरपाई कर सकते हैं या आप मशीन से भी बखिया लगा के चारों तरफ से इसको फ्रिल को बना लेंगी, तो इस तरह हमारा फ्रॉक तैयार हो जाता है। माशाल्लाह देखिए माशाल्लाह ये फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है, और इस तरह ये सिंपल बॉडी फ्रॉक तैयार कर दिया जाता है।